हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की हर एक प्रश्न की, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा 18 सितंबर को एग्जाम कराई गई थी उसकी ऑफिशियल आंसर की अभी कुछ देर पहले बोर्ड द्वारा जारी की गई है। तो आपको यहां हर एक प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब मिलने वाला है। ये ऑफिशियल आंसर की का हर एक उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, ये आपके हर आगामी परीक्षाओं में, क्योंकि यही प्रश्न हर परीक्षा में लगभग रिपीट हो रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा इस वीडियो को एंड तक पूरा देखेगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ ऑफिशियल आंसर की का ही हर एक प्रश्न का उत्तर आपको बताया जा रहा है। पहला प्रश्न है, किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है? तो इसका ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, त्वाष्टी, त्वाष्ट्री, संतुष्ट, नौकर। ऑप्शन डी हो जाएगा, संतुष्ट, नौकर वाला। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। सेकंड है, किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, देशभक्ति, देश की भक्ति। और फ्रेंड्स, द फ्यूचर एजुकेशन ने आपको इस प्रश्न का यही उत्तर बताया था। मेरे पास कमेंट भी आए थे, लेकिन मैंने उनको कह दिया था कि इसका उत्तर बिल्कुल यही है। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए ऑफिशियल आंसर की में भी उत्तर यही है, देशभक्ति, देश की भक्ति। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है इनसाइट, तटस्थता, ऑप्शन सी, इनसाइट, तटस्थता। ये फ्रेंड्स मास्टर पेपर में बताया गया आंसर की है, ये ऑफिशियल आंसर की बोर्ड द्वारा ऑफिशियल आंसर की है। चलिए चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रीत्यनुसार, सही ऑप्शन है रीत्यनुसार, शुद्ध शब्द है रीत्यनुसार, ऑप्शन डी। पांचवे पर आ जाते हैं हम। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पांचवे में सही जवाब है ऑप्शन डी, यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, ऑप्शन डी पांचवे का आ जाएगा, यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। छठे पर आ जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। तो ऑफिशियल जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, चरीक्षणु, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, चरीक्षणु, ऑप्शन सी। चलिए हम आ जाते हैं सातवें प्रश्न पर, असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। सातवें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यथाविधि तत्पुरुष समास, यथाविधि तत्पुरुष समास। आठवें पर आ जाते हैं हम। आठवां प्रश्न है, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेधावी, कृतवाचक, कृत प्रत्यय से निर्मित, मेधावी, कृतवाचक, कृत प्रत्यय से निर्मित, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नवा, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है? तो नवे का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टके की चटाई, नौ टका विदाई, धैर्य न रखना, टके की चटाई, नौ टका विदाई। अगला प्रश्न है दसवां। दसवां प्रश्न पर हम आ जाते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है? तो दसवें का जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धनुष, कोदंड, उरग, धनुष, कोदंड, उरग। ग्यारहवां प्रश्न है, किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द पूछा गया था, ऑप्शन डी है इसका, अन्येत्तर, अन्य प्लस उत्तर, अन्येत्तर, अन्य प्लस उत्तर। अगला प्रश्न है तेरहवां, किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं? तो तेरहवें का सही जवाब है, ऑफिशियल आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, शल्की, कामध्वज, कंटकी, शल्की, कामध्वज, कंटकी। अगला प्रश्न है चौदहवां, जो सत्य में बहुत, जो बोलने में बहुत चतुर हो, उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। तो चौदहवें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाक्पटु, वाक्पटु। अगला प्रश्न है पंद्रहवां, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? पंद्रहवें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजस्वी, यशस्वी, तेजस्वी, यशस्वी। सोलहवें में आ जाते हैं हम। सोलहवां प्रश्न है हमारे सामने,
राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं? प्रमुख मक्का उत्पादक जिले पूछे गए हैं, 16वें में आ जाएगा। ऑप्शन बी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। चलिए हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है, राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था? तो 17वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जोधपुर में, जोधपुर में। अगला प्रश्न है 18वां, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो 18वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। अगला प्रश्न है 19वां, हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था? हल्दीघाटी का युद्ध, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 1576 में लड़ा गया था, वर्ष 1576 में। अगले प्रश्न है 20वां, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 20वें का वो हो जाएगा ऑप्शन डी झालावाड़, कोटा और बूंदी। झालावाड़, कोटा, बूंदी में पाई जाती है वर्टिसोल्स मृदा। अगला प्रश्न है 21वां, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी 21 फरवरी, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस। अगला प्रश्न है 22वां, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है? 22वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चैत्र माह में। 22वें का जो ऑफिशियल आंसर है वो है ऑप्शन सी चैत्र माह में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 23वां, गोसुंडी शिलालेख स्थित है? फ्रेंड्स ये मैं बता देना चाहूँगा, शिलालेख पर मैंने एक सेट बनाया था जिसमें कि 10 जो क्वेश्चन बताए थे छोटे छोटे, उनमें से हमारे क्वेश्चन लगभग राजस्थान की जो पिछली 4-5 परीक्षाएं हुई हैं उनमें सब में आ रहे हैं, तो अगर आप पढ़ते तो आपके बहुत अच्छा रहता। इसके लिए उत्तर आ जाएगा चित्तौड़गढ़ में, गोसुंडी शिलालेख स्थित है चित्तौड़गढ़ में। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियोस ज़रूर देखिएगा, आगे से मैं उपलब्ध करवाऊँगा आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। 23वें में ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 24वां प्रश्न है, झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नागभट्ट सेकंड द्वारा, नागभट्ट द्वितीय द्वारा। 25वें पर आ जाते हैं, भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है? ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन बी जोधपुर में। भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जोधपुर में। अगला प्रश्न है 26वां, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उदयपुर। फ्रेंड्स यही प्रश्न लगभग रिपीट हो रहे हैं हर परीक्षा में, एसआई की देख लीजिए, कॉलेज लेक्चरर की देख लीजिए, उस पर भी मैंने आंसर की उपलब्ध करवाई है, तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग सेम ही है, तो अगली परीक्षाओं में भी काम आने वाले हैं। इन वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न है, कामायचा है? तो 27वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है हमारा 28वां, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो 28वें का सही है ऑप्शन ए तत्वाद्य। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य है? तत्वाद्य। चलिए हम आ जाते हैं 29वें में, 29वां प्रश्न है, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है? 29वें का सही है ऑप्शन डी पट चित्रण फड़के, पट चित्रण फड़के, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा 30वां, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेदशाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो 30वें का जो ऑफिशियल आंसर है वो है ऑप्शन डी आगरा में, आगरा में। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 31वां, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है 31वें प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी मानगढ़ बांसवाड़ा। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? 31वें का ऑफिशियल जो आंसर है वो है ऑप्शन बी मानगढ़ बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है 32वां, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जी के व्यास। अगला प्रश्न है हमारा 33वां, शीतकालीन वर्षा मावट होती है? 33वें का सही जवाब है ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम 34वां, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे? तो 34वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी जैसलमेर के
सागरमल गोपा जो कि स्वतंत्रता सेनानी है वो जैसलमेर के निवासी थे। तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, 35वें पर। भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है, भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। 35वें का सही जवाब है ऑप्शन ए ऊपरमाल, ऊपरमाल। अगला प्रश्न है 36वां, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जयपुर में। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न है 37वां, बातारी फुलवाड़ी, बातारी फुलवाड़ी पुस्तक के रचयिता थे। तो 37वें का सही जो ऑफिशियल आंसर है वो है ऑप्शन डी विजयदान देथा, विजयदान देथा। अगला प्रश्न है 38वां, राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। 38वें का सही जवाब ऑफिशियल जो है वो है ऑप्शन डी सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर में, सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर में। अगला प्रश्न है 39वां, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। 39वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ की, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ की। 40वें पर आ जाते हैं हम, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी स्थित है। 40वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा। अगला प्रश्न हमारा 40 के बाद में 41वें पर आ जाते हैं हम, पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है? पंजाब छुआरा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टमाटर, 41वें का ऑप्शन डी टमाटर। अगला प्रश्न है हमारा 42वां, 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया किलोग्राम की आवश्यकता होगी? तो 42वें का ऑफिशियल आंसर है ऑप्शन ए 3255 किलोग्राम, 3255 किलोग्राम। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, 43वां प्रश्न है, किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है? तो 43वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परत अपरदन, परत अपरदन, ऑप्शन डी परत अपरदन। 44वें में आ जाते हैं हम, जौ का वानस्पतिक नाम यह है। 44वें का जो ऑफिशियल आंसर है वो है ऑप्शन बी हॉर्डियम वल्गेयर, हॉर्डियम वल्गेयर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 45वें पर, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहां पर मुख्यालय के साथ की गई थी? तो 45वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता, कोलकाता में की गई थी। 45वें का आपके जो ऑफिशियल आंसर है वो है ऑप्शन डी कोलकाता, कोलकाता में की गई थी। अगला प्रश्न है 46वां, अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है। तो 46वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गन्ना, गन्ना। अगला प्रश्न है 47वां, यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। तो 47वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता। 48वें में आ जाते हैं हम, 48वां प्रश्न है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 48वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबॉर्न, वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबॉर्न। अगला प्रश्न है 49, एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेमी एवं घन एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेमी है, इसके रंध्रावकाश की प्रतिशतता क्या होगी? तो 49वें का जो ऑफिशियल आंसर है वो है ऑप्शन सी 42, ऑप्शन सी 42, 42। अगला प्रश्न है 50वां, हिसार सुगंध DH36 फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है? 50वें का ऑप्शन आ जाएगा डी धनिया, ऑप्शन डी धनिया। चलिए हम आ जाते हैं 51 नंबर के प्रश्न पर, 51 नंबर का प्रश्न है हमारा, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन सी ज्वार। 52, निम्न में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है? 52 का ऑप्शन आ जाएगा सी PRH10, PRH10। 52 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, 53 पर, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो 53 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 3A, ऑप्शन ए 3A, 3B, ऑप्शन ए 3B, ऑप्शन ए 3B इसका ऑफिशियल आंसर है, ऑप्शन ए।
54 में आ जाते हैं हम। राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ हुआ, तो 54 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 14 अप्रैल 2016 को। चलिए हम आ जाते हैं 55वें प्रश्न पर। 55वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है, तो इसका 55 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी स्ट्राइगा स्पीसीज। 56 में आ जाते हैं हम, निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसीन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है, तो 56 में ऑफिशियल जो आंसर है वो है ऑप्शन बी मक्का। अगला प्रश्न है हमारा 57, इसे रेशों का राजा भी कहा जाता है, 57 में आ जाएगा ऑप्शन सी कपास। 57 में ऑफिशियल आंसर है ऑप्शन सी कपास। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, आधार बीज फाउंडेशन सीड के थैले पर किस रंग का टैग लगा रहता है, 58 का ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी सफेद। अगला प्रश्न है 59 इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली ISSS के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास मिलीमीटर होना चाहिए, तो 59 में आपके जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 0.02 से 0.002 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 60, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE की स्थापना कहाँ की, तो 60 का जो ऑफिशियल आंसर है वो है ऑप्शन बी भोपाल। चलिए हम आ जाते हैं 61वें प्रश्न पर। 61वां प्रश्न है, कुफरी पुखराज, कुफरी शीतमान तथा कुफरी अलंकार इसकी किस्में हैं, तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आलू। 62 में आ जाते हैं, 62वां प्रश्न, पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है, तो 62 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी गुलाब। नंबर 63, यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है, तो 63 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी डाई मिथोएट। ऑप्शन डी डाई मिथोएट है। ओके, 63वें का ऑप्शन डी आ जाएगा, डाई मिथोएट। 64 में आ जाते हैं हम, जिब्रे लिंस की खोज जापानी वैज्ञानिक ने वर्ष 1926 में की थी, 64 का ऑफिशियल आंसर है ऑप्शन ए कुरोसावा। अगला प्रश्न है हमारा 65, वाइटिस विनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंगूर। अगला प्रश्न है 66, गोंदारती गमोसिस किस फल से संबंधित है, तो 66 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए नींबू वर्गीय फल। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये चैनल आपको हर एग्जाम की बिल्कुल सटीक और परफेक्ट जानकारी उपलब्ध कराता है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट अपलोड होगा हम आपको सबसे पहले सूचित कर देंगे, सबसे पहले और सटीक। तो यही है द फ्यूचर एजुकेशन की पहचान। अगला प्रश्न है 67, खजूर का वानस्पतिक नाम है, 67 प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए फिनिक्स डेक्टा एलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है, तो 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुलेठी। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं हम, 69, इसको चाइनीज लेयरिंग पोर्ट लेयरिंग मार्कोटेज या गुटी के नाम से भी जाना जाता है, तो 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एयर लेयरिंग। नंबर 70, 70वां प्रश्न है, सिंचाई की यह प्रणाली पौधे को उसके उपयोग्य
उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, आमतौर पर प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.5 से 1.0, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, 72। यह फल भारत के लिए स्वदेशी है? तो 72 में ऑप्शन आ जाएगा ए, बेर, ऑप्शन ए, बेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? 73 में आ जाएगा ऑप्शन डी, तरबूज, तरबूज की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? 74 में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, 75, निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? निम्न में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? तो 75 का आ जाएगा ऑप्शन बी, अनार, ऑप्शन बी, अनार। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं 76 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? 76 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। 76 का ऑफिशियल आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 77 पर आ जाते हैं हम, विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 77 का आ जाएगा ऑप्शन बी, भारत। विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत, 77 का ऑफिशियल आंसर है ऑप्शन बी। चलिए हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, 78वां प्रश्न है, जैम में साधारणतया TSS प्रतिशत होती है? 78 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 68.5%, 68.5%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, यह पौधों की सदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों या डोम्स जैसा सजावटी आकार दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके 79 का ऑप्शन बी, टॉपियरी, टॉपियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रक प्रयोग करते हैं? 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैलिक हाइड्राजाइड, मैलिक हाइड्राजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये ऑफिशियल आंसर की आपको मिल रही है जो कि सबसे पहले उपलब्ध करवा रहा है द फ्यूचर एजुकेशन। मुंहपका खुरपका रोग है? तो 81 का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, संसर्गज, संसर्गज। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरचक के रूप में किया जाता है? 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी आ जाएगा ऑप्शन डी, 82 का ऑप्शन डी ऑफिशियल आंसर है आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है? 83 का सही जवाब हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन बी, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यता कहा जाता है? 84 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रोमेडरी, ड्रोमेडरी, ऑप्शन डी, ड्रोमेडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है? 85 का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉकिंग, डॉकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में आ जाते हैं, 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आइवरमेक्टिन, ऑप्शन सी, आइवरमेक्टिन। 86 का ऑप्शन सी।
वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। 87 में आ जाते हैं हम, गाय की होल्स्टीन फ्रीसियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन ए हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, कीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो 88 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, शरीर को खीस को शरीर भार के 20% दर से देना चाहिए, खीस को शरीर भार के 20% के दर से देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 89, कैप्रा हिरकस वैज्ञानिक नाम है, इसका सही जवाब है, ऑफिशियल आंसर है इसका बकरी का, ऑप्शन ए बकरी का। चलिए हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 90, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है, बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है, तो 90 में आ जाएगा ऑप्शन ए टोगन बर्ग, ऑप्शन ए टोगन बर्ग। 91 में आ जाते हैं हम, किस कुक्कुट रोग को न्यू कैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है, 91 में आ जाएगा ऑप्शन ए रानीखेत, ऑप्शन ए आ जाएगा रानीखेत, 91 का रानीखेत। 92 में आ जाते हैं हम, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या होती है, 92 में आ जाएगा ऑप्शन ए 34। नेक्स्ट प्रश्न 93, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है, 93 में आपके आ जाएगा ऑप्शन बी अविकानगर राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है अविकानगर राजस्थान में। फ्रेंड्स यही प्रश्न लगभग हर परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, ये जो प्रश्न है वो सभी क्वेश्चन आगे की परीक्षाओं में आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप एसआई की परीक्षा देख लीजिए, बीएसटीसी प्री डीएलएड देख लीजिए, पीटीटी परीक्षा देख लीजिए, या फिर आप जो कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम हुई है उसका आप जीके का प्रश्न जो मैंने आंसर की उपलब्ध करवाई है आप जाकर देख सकते हैं, पूरे प्रश्न देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, आपके आने वाली आर एस एम एस एस बी की, चाहे वो ग्राम सेवक की हो, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हो, पटवारी की हो, हर परीक्षा में बहुत काम आने वाले प्रश्न है, तो आप इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाइएगा, इनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, इन्हें पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पेपर एक अच्छे स्तर का पेपर है, इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम 94 प्रश्न पर आ जाते हैं। 93 का ऑप्शन मैंने बता दिया है अविकानगर राजस्थान में, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान स्थित है अविकानगर राजस्थान में। 94 में आ जाते हैं, हसिया के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भेड़ की नस्ल की विशेषता है, तो 94 का आ जाएगा ऑप्शन बी सुरती, 94 का ऑप्शन बी सुरती। 95 में आ जाते हैं हम, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा, तो 95 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1.028, ऑप्शन सी ये ऑफिशियल आंसर है। 96 में आ जाते हैं हम, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है, 96 का सही जवाब है ऑप्शन डी चोकला, ऑप्शन डी चोकला भेड़। अगला प्रश्न है हमारा 97, 97 प्रश्न में नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है, 97 का जो सही ऑप्शन है वो है बी प्रथम स्थान है, ऑप्शन बी प्रथम स्थान है। वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा आप, वीडियो एंड तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद है। और 98 में आ जाते हैं हम, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है, 98 का सही जवाब है ऑप्शन डी भदावरी, ऑप्शन डी भदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है, 99 का सही जवाब है ऑप्शन ए मेरिनो, ऑप्शन ए मेरिनो। 99 का ये ऑफिशियल आंसर्स हैं मेरिनो।
लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इन प्रश्नों को आगे भी आप पढ़ते रहिएगा, बार बार देखिएगा, ये आपके हर परीक्षा में काम आएंगे। 100वां प्रश्न है, हीफर को कहा जाता है, तो 100वां जो प्रश्न है 100, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। 100वां जो प्रश्न है उसका ऑप्शन सी, हीफर को कहा जाता है पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। तो यह ऑफिशियल जो RSMSSB बोर्ड की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 18 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी ऑफिशियल आंसर की मैंने उपलब्ध करवा दी है। और वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपको इस पर आपत्ति है वो आप ऑफिशियल साइट पर आप चेक कर सकते हैं नोट, इसके लिए मैं वीडियो जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।